हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवर टुडे चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रूट सिस्टम। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपन क्या कर रहे हैं, रूट सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और रूट सिस्टम में अपन ने देखा कि टू टाइप्स की रूट अपने पास होती है। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, और ये टू टाइप्स के जो रूट है अपने पास, ये कौन कौन सी हो गई। वन इसमें हो गया टैप रूट, अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड वी हैव इज फाइब्रस रूट। ओके, नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द फंक्शन, वट आर द फंक्शन ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इनका जो फंक्शन होता है वो तो क्या होता है, इनका सेम ही होता है। ये क्या करते हैं, सॉइल है, सॉइल इरोजन से कंजर्व करते हैं, अपने को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक है, एंड और भी काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने एक एक्टिविटी के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि ये क्या करती है, सॉइल इरोजन से कैसे प्रिवेंट करती है। ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, अपना नेक्स्ट फंक्शन क्या है रूट का, द सॉइल। सॉइल क्या करती है, इसको जो सॉइल है, सॉरी जो रूट है वो क्या करती है, सॉइल में प्लांट को फिक्स रखती है। ठीक है, सॉइल में प्लांट को क्या करती है, फिक्स रखती है। तो अपन स्टडी करेंगे, अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे टू शो द रूट फिक्स द रूट फिक्स इंटू द सॉइल द सॉइल। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि जो रूट है अपनी, ठीक है, तो रूट क्या करती है, जो प्लांट रहता है, रूट फिक्स प्लांट इंटू द सॉइल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो रूट होती है वो क्या करती है, अब इस प्लांट को किस में फिक्स रखती है, सॉइल में फिक्स रखती है। इसका अपन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने गार्डन में या फील्ड में जाके अपन कोई भी जो प्लांट है उसको क्या करेंगे, उसको अपरूट करने की, टेक आउट करने की, मतलब उसको बाहर निकालने की अपन ट्राई करेंगे। तो जब अपन ट्राई करेंगे तो ये अपने लिए ईजी नहीं होगा। ठीक है, फिर अपने को क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए अपन देखेंगे कि अपने को किसी इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट की नीड होगी। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट अपना कौन सा हो सकता है, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में खुरपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अपन खुरपी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इससे अपन क्या करेंगे, इसको डिग आउट करेंगे। ठीक है, इससे अपने को क्या करना होगा, जब आप इस सॉइल को काट के, ठीक है, इस टाइप से आपकी क्या हो गई, ये क्या हो गई, सॉइल लगी हुई है और आपका ये प्लांट है, इसमें ये क्या हो गई, आपकी रूट लगी है। रूट भी इसमें आप कोई भी मान सकते हो, टैप रूट मान लो। ठीक है, तो इसमें ये रूट लगी हुई होती है, आप तो क्या कैसे निकालोगे इस रूट को, आप क्या करोगे, यहाँ से आपको ये क्या करना होगा, जितनी ये रूट है उतना आपको ये इस सॉइल को काटना पड़ेगा, और फिर ही क्या करोगे, आप इस प्लांट को निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आप इस प्लांट को निकाल लोगे, फिर भी आप देखोगे कि ये जो सॉइल है, सॉइल क्या कर रही है, ये जो रूट है ये क्या कर रही है, टाइटली इस सॉइल को होल्ड करके रखा है इसने। ठीक है, मतलब ये इजीली, जब आप बिना, मतलब ये अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है खुरपी है, इसके बिना आप इस प्लांट को डिग आउट नहीं कर सकते, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपको इस प्लांट को बाहर निकालना है तो आपको इस सॉइल को काटना होगा, तभी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि अपने पास में क्या, जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट क्या करता है, सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अब अपने को पता है ये होल्ड करके रखता है, इसीलिए ये जो रूट है वो क्या करती है, इस सॉइल में फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स हो पाती है, इसको स्टैंड कर पाती है। ठीक है, तो इससे अपन ने ये देखा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट अपना मेथड अपन समझेंगे, इसमें अपन लेंगे ग्राम पी एंड मेज, थ्री प्लांट्स की अपन स्टडी करेंगे, फिर अपन देखेंगे। ठीक है, नाउ
देखो अभी इसमें अपन ने देखा, फिर जब अपन ट्राई करेंगे इस सोइल को इस प्लांट से मतलब सेपरेट करने की, तो इतना इजीली अपन इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रूट क्या हो रही है, रूट ने क्या किया, सोइल को अच्छे से होल्ड करके रखा है, ठीक है। इसी टाइप से अपन क्या लेंगे, थ्री प्लांट अपन ने लिया, पी मेज, देखो इसमें अपन प्लांट नहीं ले रहे, इनके शीट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, पी मेज एंड ग्राम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अपन क्या लेंगे, इनके शीट्स अपन लेंगे, ठीक है। अपन ने क्या लिया, इनके शीट्स लिए, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जो भी अपनी पैट्री डिश होती है, ठीक है, पैट्री डिश होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, या फिर आप अपनी प्लेट या फिर जो भी अपने पास जो भी कंटेनर है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अपन देखो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, अपन पैट्री डिश ले लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, थ्री पैट्री डिश लेनी है इस टाइप से, ठीक है। तो ये इस टाइप से होती है कुछ, इसकी जो शेप होती है, या फिर आप बीकर भी ले सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसमें ये थ्री अपन ने पैट्री डिश ले ली, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें इस पैट्री डिश में अपन ने क्या किया, इसमें अपन वाटर डालेंगे, ठीक है। पैट्री डिश में अपन क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, ठीक है। वाटर अपन ने डाल दिया, फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कॉटन लेंगे, ये तो क्या हो गया, वाटर, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ अपन ने कॉटन ले लिया, अपन इसमें क्या डाल देंगे, कॉटन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ओके। तो ये अपना क्या हो गया, कॉटन, ठीक है, ये हो गया कॉटन, ये भी क्या हो गए, कॉटन, ठीक है। अपन ने क्या ले लिया, इनमें कॉटन ले लिया। देखो इनकी सबकी जो मतलब अपनी जो इन सभी पैट्री डिश में अपन ने जो लिया है पैट्री डिश में, ठीक है, तो इसमें अपन जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सबकी सेम करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ ये प्लांट है वो अपन ने जो सीड्स जो लिए हैं जिस प्लांट के उसको अपन ने क्या लिया, सेपरेट लिया, बाकी ये सारी एक्टिविटीज सेम होगी। तो अपन एक एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन इस टाइप से थ्री पैट्री डिश अपन ने ले ली, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पी प्लांट का जो सीड है, पी प्लांट के सीड्स डाल देंगे, ये अपन कुछ ये पी प्लांट के शीट्स अपन ने इसमें डाल दी, ठीक है। और आपको इसी टाइप इसमें आप डाल दोगे मेज प्लांट्स के, और इसमें आप डाल दोगे जो अपने ग्राम प्लांट के जो सीड्स है उसको अपन ने इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों बाद में अपन देखेंगे कि इसमें से क्या निकल जाएंगे, स्प्राउट्स निकल जाएंगे। जो सीड है अपने पास में वो क्या करेंगे, उसको अपन ने प्लांट दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और उनमें स्प्राउट्स निकल जाएंगे। फिर ये जो स्प्राउट्स हैं इनकी जो रूट्स होती है, ये रूट इनमें से जो निकलेगी, ठीक है, तो रूट क्या करेगी, फिर ये होल्ड कर लेगी इसको कॉटन में, मतलब ग्रोथ ये जैसे सोइल में जैसे ये ग्रो कर रही है वैसे ये क्या करेगी, कॉटन में ग्रो करेगी, ठीक है। तो कॉटन में इस टाइप से इसकी जो रूट्स हैं वो इस टाइप से ये प्लांट बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन करेगा अपना, ये प्लांट बनने लग जाएगा और इसमें ये रूट है वो इसमें फिक्स हो जाएगी, कॉटन को होल्ड करके रखेगी, ठीक है। ये अपने पास जो थ्री पैट्री डिश और थ्री प्लांट्स के जो सीड अपन ने लिए हैं उन तीनों के साथ में ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि जब इसको जब ये इसमें से अच्छे से थोड़ा सा ग्रोथ इसने कर ली, ठीक है, फिर अपन करेंगे कि अपना ये जो प्लांट है इसमें से अपन क्या करेंगे, इस प्लांट को कॉटन से सेपरेट करने की ट्राई करेंगे। तो जब अपन इसको सेपरेट करेंगे तो ये इससे इजीली सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपन ने कॉटन लिया है वो किसका काम कर रहा है, सोइल का, ठीक है। इसको अपन एज ए सोइल मान सकते हो। तो इसमें अपन ने टू मेथड देखे, ठीक है। एक तो अपन ने क्या किया, प्लांट से मतलब जो प्लांट अपनी सोइल में लगा हुआ है उसको अपन ने निकाला, उसको देखा, ठीक है। और एक अपन ने कॉटन का एग्जाम्पल लेके और इसको अपन ने समझने की कोशिश की। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट प्लांट होल्ड द सोइल, ठीक है, ऑन एंड फिक्स इनटू सोइल। प्लांट क्या करता है, सोइल को होल्ड करके रखता है और अपने जो सॉरी रूट है, रूट क्या करती है, सोइल को होल्ड करके रखती है टाइटली, और इसके अलावा जो रूट है वो क्या करती है, प्लांट को
फिक्स रखती है सोइल में. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, देखो इसमें तो इसमें अपन ने देखा है कि जो प्लांट है रूट है वो क्या करती है, सोइल प्लांट को फिक्स रखती है सोइल के अंदर, और क्या करती है उसको स्ट्रैंड रखती है, ठीक है, मतलब सोइल को होल्ड करके रखती है, ठीक है. तो ये तो हो गया अपना, ठीक है. अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी अपन लेंगे जिसमें अपन देखेंगे टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब. अभी इसमें अपन देखेंगे कि जो रूट है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को, ठीक है. नाउ अपन ने क्या किया, जो रूट है वो क्या करती है, वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स भी आप इसमें ले सकते हो, वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल. फ्रॉम सॉइल आप लिख सकते हो या फिर वाटर आप लिख सकते हो, फ्रॉम सॉइल, ठीक है. क्योंकि नॉर्मली अपना जो प्लांट है वो किस में ग्रो करता है, सोइल में ग्रो करता है, तो ये सोइल से ही क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, अंडरस्टैंड. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे या फिर आप बीकर ले सकते हो, ठीक है. फिर उसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ वाटर डालोगे, ठीक है, और फिर इस वाटर में आपने क्या किया, इस टाइप से वाटर डाल दिया, ठीक है. फिर आप क्या करोगे, ये क्या हो गया अपना, वाटर हो गया. इसमें अपन ने देखा, अपन एक प्लांट लेंगे, ठीक है. तो इस प्लांट में अपन ये श्योर करेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हो, इस वाटर में जो रूट है वो क्या कर रही है, इसमें वाटर में डिप हो जाए आराम से, ठीक है. फिर अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑयल डालेंगे, ये क्या अपना प्लांट है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लांट हो गया. इसमें अपन देखेंगे कि कुछ ऑयल इसमें डालेंगे. ऑयल क्यों डाला अपन ने, क्योंकि अपन क्या करेंगे इसको, जिससे इवापोरेट नहीं हो, ये वाटर है वो बाहर की तरफ नहीं निकले, तो ऑयल जब अपन डाल देंगे तो जो वाटर है वो इवापोरेट नहीं होएगा, क्या करेगा, इवापोरेट से प्रिवेंट करेगा. इट मीन्स जो वाटर है वो वेपर बन के अपने इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ने ऑयल डाल दिया, ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना जो बीकर अपन ने लिया ये ए बीकर हो गया. नेक्स्ट बीकर अपन इसी टाइप से लेंगे और उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें भी अपन ने क्या कर लिया, वाटर डाल दिया, ठीक है. ये ओपन रख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट अपन ने क्या किया, नेक्स्ट बीकर लिया और इस बीकर में भी अपन ने क्या किया, वाटर ले लिया और इसमें भी अपन ने ऑयल डाल दिया, ठीक है. तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल क्या करेगा, इस वाटर को प्रिवेंट, वाटर को इवापोरेट होने से प्रिवेंट करेगा. ये जो लेयर है वो लेयर किसकी हो गई, ऑयल की, ठीक है. तो ये जो लेयर यहाँ पे बन रही है किसकी हो गई, ऑयल की हो गई. और ऑयल क्या करता है, इस वाटर को इवापोरेट होने से बचाता है, इसको वेपर बनके एनवायरनमेंट में नहीं जाने देता है, ठीक है. तो ये हो गया, ये अपनी जो बीकर है वो कैसा बीकर हो गया, बी, ठीक है. अब देखो आपको क्या देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है. और ये दोनों में इनमें क्या हो गया, वाटर, ये क्या हो गया, इनमें वाटर हो गया. फिर अपन देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या. अब देखो इसमें तो अपन ने क्या लिया है, इसमें प्लांट अपन ने नहीं डाला है, और इसमें अपन ने क्या लिया है, प्लांट लिया है, ठीक है. तो इसमें अपन ने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया. फिर आफ्टर फ्यू डेज अपन ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो वाटर अपन ने लिया है, कौन सा वाटर हो गया अपना, जो बीकर ए है जिसमें अपन ने वाटर लिया, तो इसका जो वाटर का जो लेवल है, आफ्टर फ्यू डेज अपन देखेंगे कि इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. कुछ ना कुछ लेवल इसका वाटर का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. अपने को पता चलेगा कि इसका जो वाटर है वो कम हो गया, ठीक है. इसी टाइप से जब अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो बीकर बी है उसमें अपन लेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे कि ये वाटर क्या करेगा, जितना वाटर अपन इसमें पहले डाला था ये उतना ही वाटर रहेगा, ठीक है. तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो वाटर है, सॉरी, जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट होती है, रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर से, ठीक है. ये वाटर यहाँ जो इसका लेवल कम हुआ, ये कहाँ पे गया, इसकी रूट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इसने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, प्लांट में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वाटर एब्जॉर्ब, सॉरी, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है. तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड.
नाउ फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.